से आई हूँ ना, तो ये सभी मुझसे मिलने आए। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। मुझे जाना था ट्रेन से, लेकिन ट्रेन छूट गई, अब मैं बस से जाऊँगी। पता नहीं, आजकल ट्रेन जल्दी आती है, और अलार्म लगा के सोई थी लेकिन अलार्म बजा नहीं, और मैं अभी आधे घंटे पहले उठी तो ट्रेन छूट गई। अभी भी ट्रेन चली गई, तो मैं अभी बस से जाऊँगी। तो आज का व्लॉग में आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। तो बने रहिए आप लोग मेरे व्लॉग में। गाइस, मैं अभी घर से निकल चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ बस स्टैंड। गाइस, अभी मैं बस पे चढ़ गई, और मेरा यूनिवर्सिटी जाने का कारण यह है कि मुझे एमए का रिजल्ट लेना है, और साथ में मुझे सभी फ्रेंड्स से मिलना है। सभी आ रहे हैं मिलने के लिए, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं सबसे मिल पाऊँगी। गाइस, मैं जब भी बस से ट्रैवल करती हूँ तो मेरा बहुत ही सर दर्द और माथा चक्कर देता है। इस वक्त भी मुझे इसी तरह का फील हो रहा था, और मैं बस में सबसे पीछे वाली सीट में बैठी थी, इस कारण मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी सिलीगुड़ी जाऊँ तो मैं ट्रेन से जाऊँ, लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई और मुझे बस से ही जाना पड़ा। गाइस, अभी मैं सिलीगुड़ी में मेरी फ्रेंड है रोजी, उसके घर पर आई हूँ, क्योंकि वो भी अभी मेरे साथ अभी जाएगी यूनिवर्सिटी, तो हम साथ में जाएंगे। तो उसने मुझे बुलाया अपने घर पर और लेने आई थी। तो ये है मेरी फ्रेंड रोजी। तो गाइस, अभी फ्रेश होकर हम निकल गए हैं यूनिवर्सिटी के लिए। अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, और आपसे मिलते हैं सीधे यूनिवर्सिटी में। तो गाइस, हम अभी यूनिवर्सिटी के 2 नंबर गेट पे हैं, और इस गेट से हम अंदर घुसेंगे। ब्लॉग देखता है? देखता हूँ, देखना ठीक है। चायपत्ती बगान वाला था ना? हाँ, चायपत्ती बगान वाला था ना अभी? हाँ, मैं देखा था। बाप रे, ये लड़का क्या है, अभी से चला के गया यार। वो गाड़ी रहता तो मैं भी चला था। तो गाइस, अभी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस पे हूँ, और मुझे एक मेरा दोस्त मिला दीपक, उसके साथ ही मैं अपना डिपार्टमेंट जा रही हूँ। तो गाइस देखिए, ये रहा हमारा डिपार्टमेंट। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने अपना एमए का रिजल्ट लिया। देखिए, ये है एनबीयू का ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। मंजू कहाँ है? इधर हमारा डिपार्टमेंट है, और ये हमारे राजा भैया। और यहाँ पे देखिए, सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये तो एकदम पगली बन गई है, 100 दिनों से ये भूखी है। 2 दिनों से घर से बाहर है ये, आप देख सकते हैं। और एकदम आगरा से डायरेक्ट यहीं। आज आगरा रो रहा है, आज आगरा रो रहा है। गाइस देखिए, राजा नेहा मेरे लिए समोसा, और ये अभी अभी मेरे से बचा है ये समोसा। समोसा और चाय लेके आई है मेरे लिए। देखे जरा, देखिए आप, देखिए ना, सही बात है। इसको फोन बंद कराओ ना यार, चल वीडियो बन गया। हां वीडियो में देखो, नहीं तो देखना बेइज्जती हो जाएगी तेरी। देखिए गाइस, देखिए ये जो मेनू का है, मेरा लाया हुआ खाना छीन के खा रही है। ये है मेरी फ्रेंड मंजू, इसका आज बर्थडे है, और देखिए बर्थडे में हमें क्या मिला है, आपको नहीं दिखाऊंगी। देखिए
इसको देखिए, मैंने तुम्हें बताया ये आज हमें इसके तरफ से आज पार्टी मिलेगी। जी जरूर, सब आइए सब। तुझे अपना ब्लॉग में रखूंगी, लेकिन मेरे बारे में अच्छा अच्छा बात बोल। और ये मेनुका मेरी बहुत, तू पहले बहुत तो कर, मेनुका बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ। और ये मतलब जबरदस्ती तारीफ करवा रही है, आप देख ही रहे हो ना मेरे मुंह से। किसी को चाहिए इसका नंबर तो बोलिए, कमेंट कीजिए, मैं जरूर नंबर दूंगी आपको। और वैसे भी इसके घर पे लड़के देख रहे हैं इसके शादी के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे लड़के देखने वाले हैं, इसे बहुत पता है मेरे बारे में। वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, मैं इतनी सुंदर हूं। चुप। स्टेप देखना उसका। वाह, बिजली को तार तार तार, कैसा था? तार तार ऐसा कुछ था। मम्मी बनाई है मेरे लिए पास्ता, लेकिन ये भुक्कड़ लोग खा रहे हैं। मेरा टिफिन का नहीं बनाई रही है, मेरा टिफिन का बना ना। और ये क्या है? निमोना। क्या होता है निमोना? जो दानिंग का डिश है। बनाना। बोलो ये इसके पास्ता के लिए बोलो, मम्मी को थैंक यू बोलो तुम लोग। धन्यवाद। और कौन क्या लाया है? मंजू लाई है चिकन। मंजू टिफिन निकाल जल्दी। गाइस मैं पहली बार ये सुन रही हूँ, निमोना क्या होता है? ये बोल रही कि मटर को पीस के बनाया जाता है। ये सलोनी लाई है, ये पता नहीं ये मटर को पीस के बनाया जाता है क्या है, देखते हैं, ट्राई करके देखते। सलोनी खुद बनाई है, बोल रही है पता नहीं कौन बनाया है। ये खुद बनाई तो गंदा ही बनाई है मुझे पता है, और आंटी बनाई है तो टेस्टी बनाई होगी। खा के देखते है, खा के ट्राई करते है की ये कैसा है। ये गंदा है तो ये सलोनी बनाई, और अच्छा है तो मम्मी बनाई। इसका रिव्यू अच्छा है, पास मतलब पास। ये हाँ ये मम्मी बनाई है। गाइस एनबीयू आए, यूनिवर्सिटी आए, और चाइना पी, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए जब हम यहाँ पढ़ाई करते थे तो रोज शाम, सुबह और शाम चाय पीते थे यहाँ काकी की दुकान पे। ये चाय भी उनकी दुकान से ही है। मुझे चाय पीना पसंद नहीं था, लेकिन मैं यहाँ एनबीयू में आके ही चाय पीना शुरू की हूँ इन सबको देख कर। किस किस को चाय पसंद है गाइस, आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। गाइस देखिए बैठे बैठे शाम हो गई है, और हमें और हम घर जाने का नाम नहीं ले रहे अभी तक। कैसे शाम हो गई पता नहीं, बैठे बैठे। सूरज ढलने को है, यह है एनबीयू का बस जो मात्र 3 रुपये में पहुंचाता है। गाइस ये मेरा हॉस्टल के अंदर आज घुस नहीं पाई।
हमारा हॉस्टल सरोजिनी। ऑस्कर, बाय ऑस्कर। गाइस देखिए, ये हमारा हॉस्टल चल के अंदर घुसने पाई क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। देखिए ग्राउंड फ्लोर में नीचे रूम नंबर 106 सरोजिनी हॉस्टल। गाइस अभी हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेन पकड़नी है, तो हम जा रहे हैं अभी। आप तो क्यों बोल रही हैं? बाय, ये पकड़ो, मैं आगे जा रही हूँ, पकड़ो। बाय मेनुका, अच्छी बैठी। बाय मेनुका, पाँच पंद्रह लेट हो जाएगा अगर ट्रैफिक ना हो तो। गाइस यहाँ का एक 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 कण दिल के इस करीब है। गाइस आप लोगों को मैं क्या बताऊं, पर एक टाइम में देखिए गाइस, हम जब हॉस्टल पे थे तो हमेशा शाम पे घूमने के लिए निकल रहे थे। और ये गाइस देखिए, ये है हमारा विद्यासागर मंच। गाइस सुबह तो हमें हमारी मेरी ट्रेन छूट गई थी लेकिन अभी भी छूट जाएगी जैसा लग रहा है। और ये लोग चल नहीं रहे, दौड़ इन लोग चल रहे हैं। इन लोगों के साथ मैं दौड़ रही हूँ, दौड़ना पड़ रहा है मुझे। बाप रे, इतना तेज कौन चलता है? मुझे दौड़ना पड़ रहा है, ये लोग चल रहे हैं। ये हमारा हेल्थ सेंटर जहाँ हम लोग अक्सर दवा लेने आते। मेरा वीडियो अच्छा नहीं आया, क्यों बोलते? पूरा हाथ हिल रहा है ना। ओ हाँ, इसलिए हिल जा रहा है वीडियो सब। गाइस देखिए, ये है हमारा म्यूजियम। अभी गाइस हम बाहर निकल रहे हैं तो ज़्यादा मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ। ये है रविंद्र भानु मंच। तो गाइस अभी हम निकल गए यूनिवर्सिटी से, अब हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो फाइनली गाइस हमें सही समय पे ट्रेन मिल गई, ट्रेन लगी हुई है सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस। गाइस हमने टिकट ले लिया और हम बैठ गए ट्रेन पर। ट्रेन पे सफर करें और स्नैक्स ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने खाया होममेड आलू चिप्स। ट्रेन में बैठ जाए और झालमुड़ी ना खाए, ये तो कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम तो उन लोगों में से आते हैं जिनकी निगाहें ट्रेन में चढ़ते ही झालमुड़ी वाले को ढूंढने लगती है। तो फाइनली गाइस मैं 6:30 के आसपास घर पहुंच गई। मैं अपने घर नागरकटा नहीं, मैं बुआ के घर घुस गई क्योंकि मुझे बुआ से मिलने का मन था। और मैंने रात में खाना खाया, चावल चिकन दाल। आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा बीता, दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, बहुत थक गई हूँ, अब मैं जल्दी से खाना खाकर अब आराम करूँगी। आशा करती हूँ गाइस आप लोग इस ब्लॉग को देखकर जरूर इंजॉय किए होंगे और आपको भी अपनी दोस्ती यारी की याद आ गई होगी। गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।